शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले राज्य कर्मी का दर्जा से संबंधित है। इस वीडियो में देखते हैं कि शिक्षक नेता बंसीधर ब्रजवासी जी ने नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने वाले मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। कोई भी जो सरकार होती है वह राजनीति से प्रेरित होती है और राजनीति के इर्द गिर्द चलती है। जी जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक के मुद्दे पर स्वयं हो, उनकी पार्टी हो, या सत्तारूढ़ दलों की बात हो, या विपक्षी नेताओं की बात हो, सारे के सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। जी। और राजनीति जो भी लोग करते हैं वह अपने नफा नुकसान के हिसाब से निर्णय करते हैं और उसी के हिसाब से वो बयान भी देते हैं। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा कि परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद, जिस परीक्षा के माध्यम से अभी सीधे बीपीएससी के माध्यम से बहाली होनी है, तो इसके बाद में वो इस पर निर्णय करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सभी लोग सरकार से जुड़ जाएं। मतलब यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उन्होंने कहा कि सभी लोगों को जो पूर्व से नियोजित है, सभी लोगों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे या राज्यकर्मी के पद पर समायोजित करेंगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का जो बयान है उसको नकारात्मक हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिक्षकों को जितनी उम्मीदें थी, जितनी आशाएं थी और जो हमारी अपेक्षा थी, हम उनसे बहुत अधिक अपेक्षा रखते थे, उस अपेक्षा के अनुकूल उनका बयान नहीं आया। स्पष्ट चूंकि फिगर स्पष्ट नहीं हो सका, कहीं ना कहीं इस बयान में भी राजनीति झलकती रही कि क्या होगा नहीं होगा, द्वंद्व की स्थिति बना करके बयान में उन्होंने रख दिया। तो हम भी अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि परीक्षा संपन्न जब हो जाती है तो फिर उसके बाद हम लोग भी अपना निर्णय लेंगे, क्योंकि शिक्षकों को केंद्रित करके शिक्षक को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी पार्टी को शिक्षा और शिक्षक को राजनीति का विषय वस्तु नहीं बनाना चाहिए। फिर भी अगर सरकार इस तरह से कर रही है तो हम भी इनके इस राजनीति का मुकम्मल काट खोजेंगे और निश्चित रूप से हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे जिस कार्यक्रम के माध्यम से अपना प्रतिरोध दर्ज करेंगे और सरकार फिगर स्पष्ट करे। जो अभी धुंधली तस्वीर है वह साफ तस्वीर सरकार शिक्षकों के बीच पेश करे, इनकी उम्मीदों के अनुकूल इसके लिए हम कुछ न कुछ निर्णय करेंगे।